लेट 5 फ्रॉम सिमेट्रिक ग्रुप S3 टू S1 BA S' BA नॉन ट्रिवियल एंड नॉन इंजेक्टिव ग्रुप होमोमोर्फिज्म देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कर्नल फाई. अपने को पूछा है कर्नल फाई की कार्डिनलिटी कि कर्नल फाई में कितने एलिमेंट होंगे, राइट? कैसे करोगे? ये एस प्राइम क्या है अपने को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, राइट? अपने को क्या मालूम है? केवल एस थ्री के बारे में मालूम है, राइट? लेकिन एक चीज क्या मालूम है, अगर फाई को G2 GDS में होमोमोर्फिज्म होती है और कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, तो कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, राइट? तो नॉर्मल सबग्रुप है किसका, जी का. जी मीन्स जो भी डोमेन ग्रुप है. यहां पर क्या है इसका मतलब, जो भी कर्नल होगा वो नॉर्मल सबग्रुप किसका होगा, एस थ्री का, राइट? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एस थ्री के नॉर्मल सबग्रुप कौन कौन है, राइट? तो कौन कौन है, एस थ्री के तीन नॉर्मल सबग्रुप है, एस थ्री अल्टरनेट ग्रुप ए थ्री एंड आइडेंटिटी, राइट? ये तीन इसके नॉर्मल सबग्रुप है, राइट? मान लो एक बार, मान लो क्या है, ये इसका कर्नल होगा, कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. लेकिन कर्नल फाई आइडेंटिटी होते ही, कर्नल फाई ये होते ही, ये ट्रिविल होते ही क्या हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा कि फाई क्या होगा, वन वन होगा, फाई इंजेक्टिव होगा. लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि नॉन इंजेक्टिव, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता. अगर कर्नल फाई एस थ्री हो गया, इसका मतलब फाई ऑफ एस थ्री इक्वल टू ईडीएस आइडेंटिटी ऑफ एस प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिविअल होमोमोर्फिज्म. क्या हो जाएगा, ट्रिविअल होमोमोर्फिज्म. लेकिन ये क्या है, नॉन ट्रिविअल है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो फिर बचा कौन, ये होगा. इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई क्या आएगा, कर्नल ऑफ फाई इज ए थ्री. कर्नल फाई ए थ्री है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कर्नल फाई इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अल्टरनेटिंग ग्रुप ए थ्री, राइट? तो ए थ्री में कितने एलिमेंट होते हैं, ए थ्री में कितने एलिमेंट होते हैं, थ्री. तो कर्नल ऑफ फाई की कार्डिनलिटी कितनी होगी, थ्री. देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कर्नल फाई क्या आएगा, थ्री. तो कंप्यूटर जी को बोलिए कि थ्री टाइप कर दीजिए. आया समझ में? कुछ नहीं करना, जो कुछ गिवन है उसी से करना है. अपने को गिवन है होमोमोर्फिज्म कहां से कहां, यहां से यहां. नॉन ट्रिवियल है, नॉन इंजेक्टिव है, ग्रुप होमोमोर्फिज्म है और कर्नल फाई के बारे में पूछा है, राइट? तो कर्नल फाई देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कर्नल फाई, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कर्नल फाई होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है. नॉर्मल सब ग्रुप होता है इसका मतलब कि इसका भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, किसका, एस थ्री का. तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एस थ्री के कौन कौन नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, राइट? अगर जनरल बात करूं मैं तो ए एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन और एस एन के तीन ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जनरल. एक तो आइडेंटिटी वाला, राइट? एक ए एन, एक एस एन. अगर एन इज इक्वल टू फोर आ जाए, एन इज इक्वल टू फोर आ जाए, देन आइडेंटिटी वाला एक तो एक ए फोर, एक के फोर, एक एस फोर. एन इक्वल टू फोर के लिए एस फोर के फोर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. लेकिन इफ एन इज नॉट इक्वल टू फोर देन देर आर ओनली थ्री नॉर्मल सब ग्रुप, आइडेंटिटी वाला, एस एन खुद और ए एन. अर्थात प्रॉपर सब ग्रुप एक ही होता है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ए एन, राइट? इफ एन इज इक्वल टू फोर देन प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ए फोर एंड के फोर, के एल एन फोर ग्रुप, ठीक है ना? तो एस थ्री के नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन, एस थ्री आइडेंटिटी और ए थ्री. ये लिया तो ट्रिविल आ गई, ये लिया तो वन वन आ गई, जबकि दोनों ही अपने पास नहीं होने चाहिए. इसका मतलब दोनों को भगा दिया, जो बचा वो ले लिया. इसमें कितने एलिमेंट, थ्री. तो कंप्यूटर जी को बोला थ्री टाइप कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57. जी का ऑर्डर कितना है, 57 है.
which is not cyclic, which is not cyclic, then if G contain a unique subgroup H of order 19, then for any G doesn't belong to H, then order of G. अपने को क्या बोला है, देखो ये बोलता क्या है वो पकड़ लीजिए, आंसर तो हम ऑटोमेटिक निकाल ही देंगे, एनएटी टाइप का क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ जी क्या है 57 3 क्रॉस 19, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी डॉट क्यू, पी और क्यू प्राइम है, पी लेस देन क्यू, दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो क्या होगा साइक्लिक होगा if p doesn't divide q minus 1 non cyclic but abelian, but abelian if p divides q minus 1, cyclic to nahi hoga lekin abelian hoga, kab jab p divides q minus 1, here in this case 3 divides 19 minus 1 18, right, iska matlab cyclic to nahi hai lekin kya hai abelian hai, ये बोल रहा है कि साइक्लिक नहीं है, ठीक है साहब इनकी बात मान ली हमने। G contain a unique subgroup H of order 19, ठीक है साहब, G के पास क्या है एक subgroup है, unique है, जिसका order क्या है 19 है, ठीक है साहब। ये बोल रहा है कोई G एक member लिया किसका G का, लेकिन G किसमें है H में नहीं है, तो इसका order कितना होगा, देखो जो भी element होगा, जो भी एलिमेंट होगा बेसिक से हो जाएगा, अगर ए ग्रुप का मेंबर है तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 57, इसका मतलब या तो आएगा 3 या आएगा 19, आइदर 3 और 19, लेकिन लेकिन बोल क्या रहा है कि ऑर्डर ऑफ जो जी है वो एच का मेंबर नहीं है, एच कौन है, एच है सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 19, इसका मतलब इसका मेंबर नहीं है, इसका मतलब है ये इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल तो नहीं हो सकता, राइट, इसके ऑर्डर के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या बनी, पॉसिबिलिटी बनी ओनली 3, तो कंप्यूटर जी को बोलिए कि 3 टाइप कर दीजिए। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि आपको कैसे पता कि जी का ऑर्डर 19 नहीं है, राइट, अभी बताता हूं। ये तो होता साइलो थ्योरम में आगे चला गया, ये जो है साइलो थ्योरम का पार्ट हो गया है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये एक नॉर्मल सबग्रुप है ऑर्डर 19 का है, इसका मतलब ओ हाँ, इसमें देखो एच में कौन कौन एलिमेंट होंगे, इसके दो ही सबग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, इसमें दो प्रकार के एलिमेंट होंगे, एक का तो ऑर्डर क्या होगा 3 होगा और एक का ऑर्डर क्या होगा 19 होगा, जो एच में लाई करेंगे इसका मतलब इसमें वे सारे एलिमेंट लाइन करेंगे जिसका ऑर्डर 19 से 19 को डिवाइड करता है, कौन 1 और 19, एच में वे सारे एलिमेंट लाइन करेंगे सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 और 19, इसका मतलब 18 एलिमेंट तो 19 ऑर्डर के और एक जो आइडेंटिटी लाइन करेगा, बरोबर है, जो बच गए उनका ऑर्डर कितना होगा 3 होगा, उनका ऑर्डर 3, वही पूछ रहा है कि तो जी है अपना एच पर लाइन नहीं करता है, एच में लाइन नहीं करता है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 19 नहीं है, 19 नहीं है तो बचा कौन 3, इसका ऑर्डर क्या होगा 3, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 57 भी तो हो सकता है, 57 भी तो डिवाइड करता है, बिल्कुल साहब हम आपकी बात मान लेते हैं कि 57 भी हो सकता है, लेकिन साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक है, अगर साइक्लिक होता तब 57 भी हो सकता था, लेकिन यह नॉन साइक्लिक गिवन है इसलिए 57 भी नहीं हो सकता, तो तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है, जी का कोई मेंबर है तो या तो 3 होगा या 19 या 57, राइट, 19 तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एच का मेंबर नहीं है, क्योंकि जो भी 19 ऑर्डर के सारे एलिमेंट थे वो इसमें आ गए, राइट, इसमें एच में बचे कौन, दो ही पॉसिबिलिटी बनी ऑर्डर ऑफ ए जो जी 57 या 3, 57 हो नहीं सकता, क्यों साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है इसका मतलब सो 57 एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, बरोबर है, और बचा कौन 3, तो कंप्यूटर जी को बोल देंगे कि बचा हुआ 3 क्वेश्चन लगा दीजिए। तो इस प्रकार जो हमने आईआईटी जेम मैथमेटिक्स 2020 में ग्रुप थ्योरी से टाइटल
सिक्स क्वेश्चन आए थे उनका सारों का पोस्टमार्टम कर लिया है राइट। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।